थे आप? सबसे पहले मैं सुनील राणे जी का तहे दिल से, दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। जो बीड़ा इन्होंने उठाया है, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन, उन शहीदों के नाम जिनकी कुर्बानियां शहीद भगत सिंह, शहीद उधम सिंह, पीएस तारापुर, हवलदार अब्दुल हमीद से कम नहीं है। सबसे प्यारी चीज इंसान की जान होती है, और वतन की रक्षा के लिए अगर कोई अपनी जान देता है तो उससे बड़ी कुर्बानी और कोई है नहीं। उन शहीदों को याद करना, उन शहीदों की बहादुरी का वर्णन करना और उन शहीदों की बेटियों, उनके परिवारों का ख्याल रखना, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी देश सेवा कोई हो ही नहीं सकती। ये निस्वार्थ सेवा है। इंसान में और अल्लाह में, भगवान में, परमात्मा में एक ही फर्क है कि इंसान गए हुए बंदे को वापस नहीं ला सकता, लेकिन वो जो वापस अपनी फैमिली छोड़ गया है, अपने बच्चों को छोड़ गया है, हम उनकी देखभाल कर सकते हैं, उनकी जिंदगी के बारे में हम सोच सकते हैं, और ना सिर्फ सोच सकते हैं बल्कि हमारा फर्ज है उनकी एक एक बात का ख्याल रखना। ये जो बच्चियां हैं, ये सिर्फ एक फौजी की बेटी नहीं है, ये पूरे मुल्क की बेटी है, ये हम सब की बेटी है। तो हम सब का फर्ज है, जिन्होंने हमारी हिफाजत के लिए जान दी है, उनका ख्याल रखना हमारा फर्ज है, और ये कोई मेहरबानी नहीं है, ये हमारा कर्तव्य है। तो मैं सुनील राणे जी को यह आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हमारा ताल्लुक शो बिजनेस से है, हम टीवी से हों या हमारा ताल्लुक फिल्म से हो, इस काम में हम आपके साथ कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। एक शेर है कि मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जाने में मंजिल मगर, लोग साथ आते गए और अरवा बता गए। ये जो आप काम कर रहे हैं, अथर्वा फाउंडेशन सुनील राणे जी की अगुवाई में, मैं फिर एक बार दोहराता हूं अपनी बात कि इससे नेक काम, इससे बड़ा देशभक्ति का काम और कोई हो नहीं सकता। नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, नशा पिला के गिराना तो सबको आता है, मजा तो तब है कि गिरतों को थामने साथी। तो मैं एक बार फिर आपको मुबारकबाद देता हूं, और जो 31 जनवरी के प्रोग्राम का एहतमाम किया है आपने, मैं तमाम मुंबईकर से दरख्वास्त करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा शिरकत करके उस प्रोग्राम को आप कामयाब बनाएं, उन शहीदों को याद करें। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं, उस प्रोग्राम की जो खास बात यह है कि उन शहीदों की जिंदगी